मणिपुर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने मणिपुर पुलिस सर्विस की एक ऑफिसर के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की है। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इसलिए शुरू की है क्योंकि उस महिला ने एक एनडीपीएस के केस में एक तो जो विटनेस को डराने की कोशिश की, दूसरा उसने जो ऑनरेबल जज थे उनको मिडल फिंगर दिखाई, और तीसरा उन सब के बाद अपने फेसबुक अकाउंट से एक ऐसी फेसबुक पोस्ट डाले जो कि जुडिशरी के लिए डेरोगेटरी और कंटेम्पचुअस थी। उसी के चलते ये जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग उसके खिलाफ शुरू हुई। अब इस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में जो मैंने बताई ये तीन बातें, इनके अलावा 20 और लोगों को भी इम्प्लीट किया गया है क्योंकि उन्होंने भी फेसबुक पर जुडिशरी के खिलाफ और इस पर्टिकुलर केस के खिलाफ डेरोगेटरी जो है रिमार्क्स दिए हुए हैं। तो अगली जो प्रोसीडिंग होगी उसमें 2 वीक का टाइम जो कंटेम्नर है उसको दिया गया है कि अपना जो एफिडेविट फाइल करे उस पर, और जो 20 लोग और हैं उनको नेक्स्ट हियरिंग के लिए इम्प्लीट किया गया है, उनको भी नोटिस इश्यू किया गया है। तो इस केस का बताने का मेन पर्पज यही है कि इन दिनों देश भर में जो 3-4 तरह के केस ऐसे निकल के आ रहे हैं, एक तो सोशल मीडिया से संबंधित अलग अलग तरह के जो है केसेस बन रहे हैं, एक तो कंटेम्प्ट केस बन रहे हैं जब कोई व्यक्ति जुडिशरी के खिलाफ किसी भी तरह का जो कंटेम्प्टुअस स्टेटमेंट देता है, रिमार्क देता है, तो उस स्थिति में क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है कंटेम्प्ट की। एक जो हेट मॉन्गरिंग कहिए, जो आपस में एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी के लोगों को जैसे धार्मिक भावनाएं भड़काने के केस होते हैं, वो आजकल सोशल मीडिया पर उसके चलते खूब होते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता रहता है तो उस जो भी व्यक्ति बोलता है उसको अपने जो स्टेटमेंट है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, अदरवाइज वो प्रॉब्लम में फंस सकता है। इसके अलावा एक और क्लास है, वो है जर्नलिज्म वालों की। जर्नलिस्ट जो है टीवी प्रोग्राम के थ्रू कुछ करते हैं तो वो भी आजकल इम्प्लीकेट किए जा रहे हैं अलग अलग मामलों में, खास करके 153A, डिफेमेशन, 506 इन तरह के मामलों में, और जो लोग यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर हैंडल को यूज करते हुए इस तरह के वीडियो या कमेंट्स डाल रहे हैं जो या तो फेक हो, या तो डिफेमेटरी हो, या तो हेटमोंगरिंग के हों, तो ये सब चीज़ें अवॉइड की जाएं। अगर आप नहीं करते हैं तो आप भी ऐसी ही किसी मुसीबत में फंस सकते हैं।